आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फिर एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल अमानतुल्लाह खान के बेटे पर एक पेट्रोल पंप पर मारपीट का आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 95 में स्थित इस पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को अमानतुल्लाह खान ने भी धमकाया और इस मारपीट का सीसीटीवी सामने आ गया है। साथ में वो वीडियो भी है जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक पेट्रोल पंप पर आते हुए दिख रहे हैं। नोएडा पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि विधायक अपने साथ दो गाड़ियों में समर्थकों को भर कर लाए और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकी दी, जबकि उनके बेटे पहले ही वहां मारपीट कर चुके थे। यहां पर सुबह के समय में एक पेट्रोल पंप है जहां पर कि अमानतुल्लाह के बेटे हैं, जो कि पेट्रोल लेना था, लाइन तोड़ करके और जबरदस्ती पेट्रोल लेने के प्रयास में इनके द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उसके पश्चात विधायक अमानतुल्लाह स्वयं है, शरीर में अंकित किया गया है, उनके द्वारा भी धमकी दी गई। इस तरीके के पाप के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक बदलने कार्रवाई की जा रही है। वहां पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, सारे एविडेंस के आधार पर हम लोग अभी अपेक्षित बदलने कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित कराएंगे।